सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव को नाग अति प्रिय हैं, इसलिए सावन के महीने में नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। सुनिए आचार्य पंडित अरुणेश मिश्रा क्या बोले। सभी भक्तों को श्री राधे। नाग पंचमी सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष की भी पंचमी जो होती है वो नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन शेष नाग जी जो हैं पृथ्वी का भार रोके हुए हैं, उनका पूजन किया जाता है। नाग देवता का पूजन करने से घर में सुख शांति रहती है और सब तरफ से रक्षा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं शेषनाग जी, उसका भी महत्व है एवं इसमें उनका पूजन करना चाहिए। शिव जी के जो शिवलिंग पे नाग लिपटे हुए हैं उनका पूजन करें, और रेल में कहीं अगर सपेरे के हाथ में मिल जाता है तो उनको भी कुछ दान दक्षिणा देके उनको प्रणाम करना चाहिए। मंत्र है इसका, ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो एके चा पृथ्वी मनु वे अंतरिक्षे ये देवतेभ्या सर्पेभ्यो नमो नमः। इस मंत्र को मेरा अनुभव है कि नियमित करने वाला व्यक्ति जो नियमित करता है उनको प्रणाम करता है, उसको सब कभी भी सर्प भय, जो सर्प डस लेते हैं या दिखने लगते हैं या डराते हैं, वो कुछ नहीं होता उनको, मतलब दिखेंगे ही नहीं पहली बात तो, और दूसरी बात उनको किसी तरीके का डर भय नहीं रहता है जब उनको प्रणाम करते हैं, उनको मंत्र जाप ये करते हैं। तो मेरा अपना अनुभव है कि मुझे 4 वर्ष हो गए हैं, चार पांच वर्ष मैं नियमित इस मंत्र को करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, तो मुझे रेल में अभी तक कहीं नहीं चलते हुए दिखाई दिया। सपेरे की पोटली से देखा हो तो वो बात अलग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नाग पंचमी इस बार 21 अगस्त की पड़ रही है, तो उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म करने के पश्चात नाग देवता का पूजन करें। बिनौला चढ़ाया जाता है इनको, दूध चढ़ाया जाता है, पत्र पुष्प फल जल मिष्ठान सभी कुछ अर्पण किया जाता है। शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी पे जो नाग लिपटे हुए हैं उनका पूजन करें, उनको ये सब वस्तुएं चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि जिस तरह पृथ्वी का भार रोके हुए हैं उसी तरीके से हमारे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा होती रहे और इन सब भयों से दूर रखें। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश लोकल 18 के लिए।